जेसीओ ओआर के लिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 के लिए वर्ष 2018 से दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार कानूनी लड़ाई चल रही है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वर्सेस भारत सरकार के बीच ये लगातार कानूनी लड़ाई चल रही है। वॉइस की ओर से लगातार ये पक्ष रखा जा रहा है कि जेसीओ एंड ओआर को इक्वल एमएसपी यानी अधिकारियों के बराबर 15,500 रुपये एमएसपी लागू है, तो भारत सरकार और एमओडी के वकील इस मामले में सुनवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा ये केस 30 नवंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्ट करवाया गया। तब से लेकर अब तक यानी 2 मई 2024 तक इससे पहले 21 सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो चुकी है और मामला अंतिम सुनवाई तक पहुंच चुका है। अब जेसीओ एंड ओआर को पूरे न्याय की उम्मीद है कि ये सुनवाई आखिरी सुनवाई हो और आज फैसला जेसीओ एंड ओआर के हक में सुना दिया जाए। 2 मई 2024 के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 और डिवीजन बेंच नंबर 6 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी कामेश्वर राव और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रजनीश भटनागर दोनों न्यायाधीश इस मामले में सुनवाई करेंगे। और ये मामला आप जैसा कि कोज लिस्ट में देख पा रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से रवि प्रकाश और उमेश शर्मा एडवोकेट रहेंगे और इसी के साथ एक पेटिशन और डाली गई है एसपी सिंह एंड अदर्स, इसमें राकेश कुमार सिंह और पल्लवी अवस्थी ये चारों एडवोकेट 3:30 बजे इस मामले में अपना पक्ष एक बार फिर रखेंगे। और अब मामला फाइनल सुनवाई में है, इससे पहले एमओडी की ओर से एक बार इसके अंदर अपना पक्ष रखना है, उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एडवोकेट को ये पूछा गया कि आप बताएं कि एमएनएस को 7वें पे कमीशन और 6ठे पे कमीशन में जेसीओ एंड ओआर से ऊपर क्यों रखा गया, यानी एमएनएस को इक्वल एमएसपी जेसीओ ओआर से ज़्यादा क्यों दी गई जबकि वो ना फील्ड में ड्यूटी करती है, ना हथियार लागू है, ना बीपीटी लागू है। तो इसके बाद वॉइस की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आरटीआई डाली गई और 10 कड़क सवाल पूछे गए। एमओडी के पास में केवल एक सवाल का जो जवाब था वो हाँ था, बाकी सभी सवालों के जवाब नहीं में दिए। देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने एमओडी से पूछा, रक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या एमएनएस कॉम्पिटेंट रैंक है, तो एमओडी ने जवाब दिया नहीं। दूसरा सवाल पूछा क्या एमएनएस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती है, एमओडी ने जवाब दिया नहीं, केवल ड्रिल होती है। तीसरा सवाल पूछा क्या इनका पीरियोडिकली बीपीटी और पीपीटी होता है, एमओडी का जवाब था नहीं। चौथा क्वेश्चन पूछा क्या एमएनएस आर्मी एक्ट के दायरे में है, जवाब दिया कि केवल सेक्शन 39 और 63 को छोड़कर किसी भी आर्मी एक्ट के दायरे में एमएनएस नहीं आती है। पांचवा सवाल पूछा क्या ये फील्ड हॉस्पिटल में तैनात होती है, एमओडी ने कहा नहीं होती है। छठा सवाल पूछा नेवी के शिप पनडुब्बी आदि में तैनात होती है, जवाब मिला नहीं, वहाँ पेशेंट का ध्यान नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर रखते हैं। सातवां सवाल पूछा क्या एमएनएस को हथियार ऑथराइज्ड है, एमओडी का जवाब था नहीं। तो जितने भी रिस्क वाले सवाल पूछे गए इनका जवाब रक्षा मंत्रालय ने नहीं में दिया, यानी एमएनएस के लिए लागू नहीं है। तो जब एमएसपी एक रिस्क अलाउंस है तो फिर ज़्यादा रिस्क जवानों को होता है, फिर भी एमएनएस को एमएसपी ज़्यादा दिया जा रहा है, ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है तो क्या है। इस प्रकार ये पूरे सबूत हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में रखे जा चुके हैं और आज सुनवाई के दौरान इन सबूतों के ऊपर गंभीरता से चर्चा हो सकती है और जेसीओ एंड ओआर को उनका हक मिल सकता है। देखिए, यदि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होती है यानी 15,500 होती है तो पेंशन में हर महीने कितनी बढ़ोतरी होगी, और यदि 1 जनवरी 2006 से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का आदेश दिया जाता है तो एक एक पेंशनर को
कितना एरियर मिलेगा, हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करना चाहते हैं। छठे पे कमीशन में जहाँ पे अधिकारियों की एमएसपी 6000 थी, एमएनएस की 4200 थी और जेसीओ ओआर की 2000 थी, वहीं सातवें पे कमीशन में आते आते अधिकारियों की 15500 हो गई, एमएनएस की 10800 हो गई और जेसीओ ओआर की 5200 एमएसपी रखी गई। अब इसमें यदि हम सिपाही नायक हवलदार नायब सूबेदार सूबेदार और सूबेदार मेजर की क्वालिफाइंग सर्विस 17, 22, 24, 26, 28 और 32 साल के अनुसार 1 जुलाई 2019 से पेंशन देखें तो एक सिपाही की 18,807 रुपये यानी ORP2 में, नायक की 21,244, हवलदार की 22,257, नायब सूबेदार की 24,825, सूबेदार की 29,700 और सूबेदार मेजर की 33,400, जो बेसिक पेंशन 1 जुलाई 2019 से ORP2 में मिल रही है। इफ दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर टू इक्वलाइज मिलिट्री सर्विस पे ऑफ जेसीओ ओआर विथ ऑफिसर्स, तो 15,500 जो कि 50% पेंशन मिलती है उसकी आधी 7,750 रुपये एडिशनल पेंशन हो जाएगी पर मंथ, जो कि जो ORP2 की पेंशन मिल रही है उसमें जुड़ जाएगी। और सातवें पे कमीशन में जो MSP रिकमेंड किया गया था 5,200, उसका आधा करें तो 2,600 रुपये MSP पेंशन में पहले से ही जुड़ के मिल रहा है, तो 7,750 में से 2,600 रुपये यदि माइनस किए जाते हैं तो 5,150 रुपये पर मंथ ORP2 की पेंशन में जुड़ जाएगा और इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो इस प्रकार 5,150 रुपये सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की पेंशन में बढ़ोतरी इक्वल MSP के बाद हो सकती है, और इतना ही यदि आप 50% DR निकालें तो 2,500 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, तो 7,750 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। अब यदि हम आगे कैलकुलेशन देखें कि 1 जुलाई 2019 से जो पेंशन थी यदि उसको लें, साथ में हर महीने जो MSP में बढ़ोतरी होगी उसको जोड़ें, तो पेंशन और जो MSP बढ़ेगी उसके साथ सिपाही की 23,957 पेंशन हो जाएगी, नायक की 26,394, हवलदार की 27,407 रुपये, नायब सूबेदार की 29,975, सूबेदार की 34,850 और सूबेदार मेजर की 38,550 और इसके ऊपर 50% डियरनेस रिलीफ। तो 1 जनवरी 2024 से 50% DR को जोड़ें और ये DR जो निकल के आता है उसको बेसिक पेंशन में जोड़ें और बढ़ी हुई MSP के साथ, तो सिपाही की पेंशन 35,936 रुपये हो सकती है, नायक की 39,591, हवलदार की 41,111, नायब सूबेदार की 44,963, सूबेदार की 52,275 और सूबेदार मेजर की 57,825 रुपये। यहाँ पे केवल हमने सर्विस पेंशन के आंकड़े लिए हैं और 50% DR 1 जनवरी 2024 से जो मिल रहा है उसके साथ आप देख पा रहे हैं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। अब इसी के हिसाब से यदि जो 5,150 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है तो एरियर कितना बनेगा? दोस्तों आप यहाँ पे एरियर के आंकड़े देख के चौंक जाओगे, एरियर लाखों में बन रहा है। यदि 1 जनवरी 2006 से इक्वल MSP होती है तो यहाँ पे आप एरियर का कैलकुलेशन एक बार नज़र मार सकते हैं कि 6,000 रुपये 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक मिल रहे थे, उसकी आधी MSP 3,000 और JCO OR की 2,000 की आधी 1,000, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 2,000 रुपये पर मंथ। तो 2,000 रुपये 1 जनवरी 2006 से लेके 31 दिसंबर 2015 यानी 10 साल होते हैं, 120 महीने होते हैं, उसको आप 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 2,40,000 रुपये का एरियर बनता है। ये तो बात रही छठे पे कमीशन की। यदि सातवें पे कमीशन में चलें तो ये डिफरेंस निकल के आता है 5,150 रुपये पर मंथ, तो 8 साल का 2016 से लेके 23 तक 5,150 से 96 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो एरियर निकल के आता है सिपाही से सूबेदार मेजर का
494,400। तो 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2023 तक का टोटल एरियर हम जोड़ें तो बनता है 7,34,400 और ये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर सभी का एरियर 7,34,400 बनता है। इसके ऊपर 1 जनवरी 2006 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जब जब डियरनेस रिलीफ में रिवीजन हुआ है उसको यदि जोड़ा जाए दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा एरियर मिल सकता है। ये केवल संभावनाएं हैं। इन आंकड़ों को हमने इसलिए लिया है कि इक्वल एमएसपी में दो संभावनाएं हैं। यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश दे कि हाँ जब से ये एनोमली है तब से एमएसपी को इक्वल किया जाता है यानी 1 जनवरी 2006 से, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक आपको एरियर मिलेगा। यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि जिस दिन ये केस फाइनल होता है या जिस दिन 2018 में केस फाइल किया गया उस दिन से एमएसपी को इक्वल किया जाएगा तो इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को जेसीओ ओआर के हक में लेता है और फैसला देता है तो एरियर की भरमार होगी, लाखों में एरियर मिलेगा, नहीं तो आपकी पेंशन में 5,150 रुपये और इसके ऊपर मिलने वाला 50% डीआर यानी लगभग 7,500 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी निश्चिंत है। ये सब डिपेंड करेगा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि जो पे कमीशन ने निर्धारित किया है उसको हम संवैधानिक दर्जा मानते हुए कोई बदलाव नहीं करेंगे तब तो जेसीओ ओआर को बड़ा झटका लगेगा, और यदि मान लेते हैं कि हाँ एमएसपी को इक्वल किया जाए तो हर एक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की पेंशन में 7-8 हज़ार रुपये हर महीने की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।